बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि बच्चा बड़ा बीमार नहीं पड़ेगा अगर बच्चे को माँ का दूध मिलता है और बच्चे का शरीर मजबूत रहता है। तो इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराना बच्चे को ज़रूरी है। शुरुआत के 6 महीने से लेकर 1 साल तक तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद भी आप करा सकते हैं, पर 6 महीने से 1 साल तक तो ज़रूर ज़रूर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। कहाँ गए थे तुम? तुम कहाँ गए थे? मेरी तबीयत गड़बड़ है, कमर दर्द कर रहा है। फिर बोलते हैं मम्मी दाब देंगे दाब देंगे। कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे? हमारा कमर दर्द कर रहा है, तुम भी खेलने में सुन नहीं रहे हो, हमारा कमर नहीं दाब रहे हो, केवल खेलते रहते हो। कहाँ गए थे? दादी के घर। दादी के घर गए थे घूमने? वो तो बहुत घूमता रहता। जब तुम्हारा घूमने से पेट भरता तो जाओ घूमो, दूध के पे रहो, जाओ घूमो, जाओ जाओ खेलो, जाओ। जब तुम्हारे खेलने से पेट भर जाता है जाओ खेलो। आइए ना। जाओ खेलो, जाओ खेलो, जाओ खेलो। तुम्हारा खेलने से ठीक रहता है, पेट भर जाता है, पर देखो ठंडा ठंडा है, केवल धूम घूम रहे हो, धूप में ठंडी में घूम रहे हो, बस इधर उधर दौड़ लगा रहे हो। बाबू तुम कितना मना करेंगे, तब तबीयत खराब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तेरा तबीयत खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे? पैसे नहीं है घर में तो तुमको इलाज कहाँ से कराएंगे? ठंडी लग जाएगा, पेट दर्द करने लगता है तुम्हारा, पेट दर्द करता है तो रोते हो मम्मी पेट दर्द कर रहा है, मम्मी ठंडी लग गया है, तब तो बोलते हो कि पेट दर्द कर रहा है, ठंडी लग गया है मुझे, मैं नहीं घूमूंगा। तो ठंडी लगता है तो कहता है मैं नहीं घूमूंगा, नहीं खेलूंगा, तब बोलता है ठंडी में नहीं घूमूंगा, और जब ठीक हो जाता है बस फिर दर्द लगाते लगाने लगते हो। चलो चलो जूता पहनो, चलो जूता पहना दो, जूता चलो चलो जूता पहन लो, चलो जूता, हम जा रहे हैं, चलो चलो हम जा रहे हैं, चलो हम जा रहे हैं।